अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और मैं जयपुर से वापस आ गई, उसके बाद मैंने वहाँ पे व्लॉग एंड किया था क्योंकि मैं दो रातें वहाँ उसके बाद और रुकी और मैं वहाँ पे बीमार हो गई। मैं हॉस्पिटल में थी, ग्लूकोज चढ़े थे, इंजेक्शन्स हुए थे और अभी मैं बैटल फील करी। मैं कल रात आ गई थी यहाँ पे, कल शाम को पहुँची और मैं घर भी नहीं गई, मैं डायरेक्ट अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ। उसको आपने अभी देखा, ये मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बहन है, इसका नाम मंजू है, आप भी मिलिए इससे। शी इज़ आर्टिस्ट एंड ये भी हम इकट्ठे शूट्स वगैरह करते हैं, तो हमारी बहुत ही अच्छी बात। तो आज हम, ये और मैं, हम जा रहे हैं पहलगाम घूमने के लिए। तो आज दिन भर हम जो मस्ती करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा इस व्लॉग में। तो आपको ये व्लॉग अच्छा लगे। सो अभी हम निकल गए हैं, हमारी आ रही है गाड़ी, चलते हैं। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं एप्पल वैली पर। जब हम पहलगाम जाते घूमने के लिए तो रास्ते में यहाँ का जूस बहुत अच्छा होता है, जैसे कि बहुत चीजें होती है, लाइक एप्पल जैम, एप्पल्स चटनी होती है, चिप्स होते हैं, यहाँ के बहुत फेमस है वो। तो आप सब आइएगा एक बार, एक ना एक बार तो ट्राई कीजिए। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है ये एप्पल ट्रीज है, और यहाँ पे अभी एप्पल का मौसम तो नहीं है, लेकिन बस एप्पल्स आ रहे हैं, छोटे एप्पल्स है। अब ये मैं बोलूंगी ये नकली एप्पल भी लगे हुए ये तरीका है, ये नकली एप्पल लगा के बहुत जल्दी असली भी आने वाले हैं, वो भी रेड रेड होंगे, भी वो साइड से है, वो बहुत स्मॉल है। हाँ हाँ, वो भी, क्योंकि अभी मौसम नहीं है ना, अभी मौसम है तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप भी जब आएंगे तो यहाँ पे जरूर रुकेगा और ये चीजें ट्राई करिएगा। अभी हम पहलगाम आ चुके हैं और यहाँ पे हो गया है मौसम खराब, खराब बरसात वाला मौसम, बारिश पड़ रही है, आप देख सकते हैं ठंड लग रही है, क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग ड्राइव हम पहुँच गए हैं पहलगाम फाइनली, और यहाँ पे मौसम बिगड़ चुका है जो आपको। अभी तो बारिश हो रही थी वहाँ पे, तो नहीं हो रही थी ना वहाँ। देखो पता है घर में क्या हुआ, मैंने इसको बोला कि हम लोग ले जाएंगे स्वेटर साथ, क्योंकि पहलगाम जाना है तो वहाँ पे ठंड होती है। एक स्वेटर थी, दो दो तीन थी नहीं, एक स्वेटर थी, एक पंचो था और एक ये वाली शॉल थी। तो इसने बोला कि नहीं वहाँ पे गर्मी होगी, वो तो हमने लिया पहना था रास्ते में ही, फिर हमें गर्मी लगी तो उस टाइम पे फिर निकाल दिया और फिर अभी वापस से शॉल ओढ़ दी, क्योंकि पहलगाम, हाँ कहते हैं ना कि कश्मीर में मौसम का भरोसा नहीं है, जैसे मुंबई का फैशन और कश्मीर के मौसम पे भरोसा कभी भी बदल सकता है, कभी भी। तो अभी आप देख सकते हैं जो बारिश स्टार्ट हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो आप जो देख सकते हैं हमारे पीछे जो रिवर बह रही है, इट्स कॉल्ड लिजर लेक, इधर रिवर, सॉरी इधर रिवर को बोलते हैं, ये बह रही है। अभी हम आगे जाते हैं, खूबसूरत नज़ारा आप देखिए, यहाँ से बारिश हो रही है और वहाँ से सन लाइट निकल आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है ये बारिश। मैं ना वो बिहारी लग रही हूँ, सच में तुम राजस्थान पधारो मारो देश, जैसा ही होता है। बारिश हो रही है, धूप भी है, देख सकते हैं धूप मेरे फेस पे आ रही है, बट बारिश भी है। हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे बाहर, हम आरू वैली बेतावी नहीं गए, बस ऐसी मार्केट एंड एक्सप्लोर कर रहे थे, तो बारिश भी हो रही थी तो अभी हम कुछ खाने आए, अभी खाया भी कम है, क्या खाया था हमने वहाँ, कुछ रोटी और सब्जी थी ना, ड्राई पनीर थी और मशरूम मटर थे, बट उसमें टेस्ट ही नहीं था बिल्कुल भी नहीं। तो अभी हम दूसरी जगह आए पहलगाम में, और अभी मैंने रास्ते में एक छोटे नया पेट बनाया है कि उसकी नई मम्मा आया वो बुला रहा था मैं तो उसके साथ मैंने फोटो भी उठाई, तो वो वीडियो भी आपको भी दिखाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं अभी क्या होगा। ये मंजू है, तो तुम क्या कर रही थी अभी? याद है सारा मंजू आ गए हैं अपने होटल, और आप देख सकते हैं मंजू क्या होता है। तो इस होटल का नाम है द होम टू पहलगाम, रैकिंग पॉइंट पे है ये होटल, ये मेरा अपना ही होटल है, अगर आपको भी इस होटल में आना होगा तो आप मेरा नाम लेके आ सकते हैं, तो आपको काम जरूर मिलेगा। तो होम टू पहलगाम, मेरा रैकिंग पॉइंट पहलगाम।
ठीक है, तो अभी हम पीते हैं चाय और मैं झूल रही हूँ झूला, और अभी पता नहीं आगे और मुझे पता नहीं क्या क्या होगा। यू आर हैप्पी? या इसने मुझे बोला था कि तुम जयपुर अकेली गई और बीमार हो गए आई तो टेंशन में डाला और भी और बता लौट के पुत्र वापस आने वही हुई बंदी। तो ऐसा हुआ कि इसने मुझे बोला था कि तुम सोलो ट्रिप करके आई तो मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके गई, तो कल रात में लैंड हुई और आज मैं उसको पहलगाम लेके आई और हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत ज्यादा। चप्पल लेके भाग गई है क्या है मेरी चप्पल ने ऊपर से नहीं, मैं अभी नहीं आ पाऊंगी वहाँ। क्या कर रही है बंदी मेरी चप्पल के साथ? मुझे मेरी चप्पल वापस करो, मेरी लौटी सी चप्पल। मंजो देखो फुटबॉल बना डाला। फ्रेंड्स अभी रात के बज गए हैं 11 और हमने खाना भी खा लिया है। बहुत ठंड है यहाँ पे, लिटरली अभी ठंड है, तो मैंने अभी ये शॉल खरीदा जो मुझे 50-100 में इसकी प्राइस है। बहुत ही अच्छा शॉल, बहुत ही अच्छा शॉल है। और खाना भी हमारा हो गया, मंजू पता नहीं कहाँ अंदर से घूम रही है और मैं थोड़ा बाहर इवनिंग वॉक लाइक डिनर के बाद ले आई। तो अभी आगे एक सेलिब्रेशन है, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, तो उसकी तैयारी हो रही है और चलते हैं उसकी तैयारी करते हैं। मंजू आ गई ये क्या था इसको कौन से दोहरे पड़ गए? चलिए जानो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? तुम कैसे घूम रही हो? यू आर ये मैं मुझे ठंड लगती है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा इसको ठंड लगती है क्योंकि ऐसी तहकती हुई गर्मी से आई है ना, दो दिन बीमार पड़ के हमारा सामान उनके पास तो हमारा सामान इनके हाथ में, जैसे लावारिसों का सामान बोल रहे वहां पे ही डाल देंगे तुम लोगों को सोने के लिए। चलेगा चलेगा, अपने होटल में कुछ भी चलते तो अभी फ्रेंड्स हमें रूम भी अलॉट हो गया है और अभी हम आपको अपने रूम में ले जाते हैं। भूल क्यों गई? तो ये है हमारा रूम, हमारा सामान, और दिस इज द प्रीमियम रूम। हाँ एक मिनट आ रही हूँ। दिस इज द प्रीमियम रूम ऑफ दिस होटल। कहाँ जा रही हो आप केक लेके? या क्यों नहीं, तुम मुझे ना खिलाओ ऐसा हो सकता है। उनका बर्थडे था तो उनके लिए केक मंगवाया था, उधर ही जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल रात हमने डिनर किया, उसके बाद हम सो गए क्योंकि कल रात बहुत थक गए थे, डांस वगैरह किया, एक बर्थडे पार्टी थी, उसके बाद मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई। फिर मैंने डिनर किया और हम सो गए और अभी हम सुबह उठे हैं और देखने में आ रहा है कि बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, पूछिए। और वहाँ मंजू अपने पोज देते हुए हाय मैं आपको बाहर का भी व्यू दिखाती हूँ। इसके लिए तो तू उठी? इसके लिए तो मैं उठी। चलिए तो यहाँ से कर्टन्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बारिश कितनी हो रही है। पहलगाम की बारिश श्रीनगर की बारिश से बहुत ज्यादा होती है यहाँ। अभी ब्रेकफास्ट करने का भी हमारा मन नहीं है बिकॉज लेट उठे हैं नींद से, अभी 12:30 हो गए हैं, तो अभी हम डायरेक्टली खाना ही खा लेंगे। हमने खा लिया है खाना और अभी हम जा रहे हैं घर। आप देख सकते हैं मौसम इधर पीछे, क्लाउड्स और बारिश, बारिश हो रही है, निकले कैसे? वही तो, इसलिए तो हम रुके हुए थे लंच, वरना हम
सुबह ही निकल जाते पर सुबह भी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। माउंटेन्स का कैसे बादल भाग रहे हैं हवा के साथ। रुको देखिए आप कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से, कितना ही अच्छा। चलिए ये व्लॉग करते यहाँ पे खत्म, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।